ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। मध्य प्रदेश में आसमानी कहर जारी है। बेमौसम बरसात और ओला गिरे के कारण जहां किसानन के फसलन का भीषण नुकसान हो रहा है, तो दूसर कई आकाशीय बिजली गिरे के कारण मध्य प्रदेश में लगभग 8 लोगों के जान चली गई। वह करीब इतने लोग गंभीर रूप से बिजली गिरे के कारण घायल हो गए। बात की जाए अगर सतना के, तो बता दी कि सतना के मैहर में टमाटर तोड़े के दौरान 2 किसान गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका बचावा नहीं जा सका। वहीं ये आकाशीय बिजली के चपेट में 4 दूसरे लोग घलाए आए, जिनका हालत गंभीर बताई जा रही। कुल मिलाए के जिला में करीब 8 मौत बिजली गिरे के कारण संभव आई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो विद्युत क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहाँ पूजा अपना पंचेश सवेजनिन का प्रणाम कही थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि आप मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात और आकाशीय कहर के कारण कई को मौत सामने आई है। बता दी कि सतना में शुक्रवार की रात अचानक मौसम के मिजाज बदला और आकाशीय बिजली के द्वारा मैहर के बेरमा में 2 जिंदगी निगल लीन गए। जानकारी के मुताबिक मैहर के बदेरा मजगवा बीरसिंहपुर के सरभंगा धारकुंडी इलाका में ओला गिरे के जानकारी सामने आई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मौसम तो ठंडक पहुंची है, लेकिन किसानन का खासा नुकसान था। मैहर के बेरमा में गांव में गाज गिरे के कारण खेत में काम करे वाले 2 लोगों के जान चली गई, जबकि 4 झुलस गए। मृतकन के पहचान प्यारेलाल कुशवाहा निवासी बेरमा और दीपक साहू निवासी कन्हारा के तौर में भय है। बतावा जाते हैं कि दोनों टमाटर तोड़त रहे और खेत में टमाटर तोड़ाई के छाड़त रहे, यही दौरान आकाशीय बिजली के चपेट में आए गए। दौरान काम करने वाले करीब 6 लोग वहां चपेट में आए गए। सरपंच के द्वारा सिविल अस्पताल मैहर में भेजा गया, पर तब तक प्यारे लाल और दीपक के सांस थम चुकी रही। दूसर कई रामनगर क्षेत्र में गाज गिरे से 13 बकरी के मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बता दें कि लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश भय, जहां विदिशा, धार, रायसेन, अशोकनगर, नर्मदापुरम, दतिया और सतना समेत कई इलाके में बारिश और ओला गिरे। किसानन का जहां एक तरफ नुकसान भाव, वहीं आकाशीय बिजली के गिरे के कारण कई मौतों संभ आई है। अशोकनगर जिला के मुंगालुली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरे के कारण एक किसान के जान चली गई। बखना गाँव के किसान इंद्रपाल सिंह यादव खेत में काम करते रहे और यही दौरान आकाशीय बिजली के चपेट में आए गए। बिजली से बचाव खातिर इंद्रपाल के द्वारा पेड़ के शरण लीन गिर गए, दौरान पेड़ पर बिजली गिर गए। शासन के द्वारा प्राकृतिक आपदा के तहत 4 लाख के मुआवजा दे के ऐलान परिजनन का कीनगा है। दूसर की बात की जाए इटारसी में, तो बता दें कि इटारसी में मौसम के मार रेखे का मिली बिजली के कारण चनागढ़ में तरबूज के खेत में काम करने वाले आदिवासी युवक गंभीर रूप से झुलस गए। 55 साल के छन्नूलाल उइके घटना स्थल में दम तोड़ दी। घटना की जानकारी मिलता है केसला पुलिस मौके में पहुंची और मर्ग कायम करके शव को पोस्टमार्टम खातिर अस्पताल में भेजा गया है। दमोह महमे की घटना समूह आई है, जहां दमोह में आकाशीय बिजली गिरे के कारण 2 बच्चा चपेट में आए गए, जहां एक बच्चा के मौके में जान चली गई, जबकि दूसरे बच्चा की हालत गंभीर बताई जाती। 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवावा गया है। ये घटना हिंडोरिया थाना क्षेत्र के हरदुआ मुंडर गाँव की बताई जाती। रायसेन के हैरतगंज तहसील के अंतर्गत सोडरपुर और राजपुर आकाशीय बिजली गिरे की घटना सो आई, जहां 2 लोगों के जान चली गई, 4 लोग घायल भी हम, जिनका सिविल अस्पताल हैरतगंज में भर्ती करवावा गया है। वह धार में आकाशीय बिजली के गिरे के कारण एक महिला के जान चली गई। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा अगले 3 दिन खातिर अलर्ट जारी किया गया है, यानी अगले 3 दिन तक मौसम यह में रह सकत है। इस दौरान रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल में कहाँ तेज तो कहाँ हल्की बारिश हो सकती। कुछ जगह में ओला गिरे की संभावना जताई गई है। 18 और 19 मार्च का भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल संभाग में मौसम बदला रही, तेज आंधी और बिजली गरजे चमके की संभावना जारी की गई है। किसानन से विशेष अपील है कि किसान भाई अपन ख्याल रखा, बिजली या मौसम खराब हो के दौरान खेत में काम करे खातिर न जा, तो सजग रहिए और सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल, दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह।
खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।